120 डिग्री टेम्परेचर में जब ये ब्लेंड होगा तभी जाके ऑयल की क्वालिटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि उठा के आपने भर दिया तो वो ऑयल की ऑयल अच्छा भी नहीं होता है। पुराने जमाने का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, ये पूरी हाईटेक जमाने की मशीन है, इसमें कोई भी पार्टिकल और ऑयल के अंदर नहीं रहेगा। देखिए सर, इस तरीके से हमारी बोतल जो फिलिंग हो रही है वास स्टोरेज टैंक से, यहाँ ये फिलिंग होने के बाद यहाँ पे जो इसकी पैकेजिंग का काम हो रहा है, इस तरीके से ये पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग में आप देखिए कि जो हमारी बोतल की जो हमारी रैप है वो हमारी कंपनी की ही लग के आती है बकायदा। ये मैं आपको खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ, ये हमने कट लगाया कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। देखिए इस बॉक्स में एक ग्रीस का डब्बा हम लोग फ्री दे रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं राइडेक्स लुब्रिकेंट के फैक्ट्री विजिट पर, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पर इंजन ऑयल कैसे बनकर तैयार होता है। अगर आप इंजन ऑयल का बिजनेस करना चाहते हैं या अगर आप अपने यहां सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर आपको इंजन ऑयल्स मिल जाएंगे, लुब्रिकेंट्स मिल जाएंगे, ग्रीस मिल जाएंगे, और आज इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गो और वीडियो को शुरू करते हैं। सर कैसे हो आप? नमस्कार सर, क्या काफी नाम सुना है सर आपकी कंपनी का राइडेक्स लुब्रिकेंट्स, और काफी दिनों से आप मार्केट में भी हो। हां जी, तो कई लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर आप दिखाओ कि लुब्रिकेंट ऑयल्स का अगर हम बिजनेस करना चाहे या अपने यहाँ सेल करना चाहे तो हम कहाँ से मंगवा सकते हैं। तो अपने फर्म के बारे में बताएंगे अब, और कहाँ आप सिचुएटेड हो और आप कैसे काम कर रहे हो। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा पहले तो कि आप हमारे से मिलने आए, और बहुत खुशी हुई जी। हमारी फर्म का नाम है राइडेक्स लुब्रिकेंट, जो अपने GT करनाल रोड नंगली पूना में है, दिल्ली के अंदर है, नियर बाय संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पड़ता है, ये हमारी फर्म का नाम है। और जो हमारा काम है लुब्रिकेंट ऑयल के अंदर है, टू व्हीलर सेगमेंट, फोर व्हीलर, ग्रीस, लाइक कूलेंट, सारे प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं। जो भी हमसे परचेज करेगा बहुत ही चीपेस्ट एंड बेस्ट प्राइस में हम देंगे, क्वालिटी बेस्ट प्राइस देंगे हम, सारी चीज़ें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम उनको उपलब्ध कराएंगे। जैसे ये जो अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहे या अपने यहाँ सेल करना चाहे, किस तरह से वो फायदा कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सर? देखिए कि अगर कोई आप आज काम करता है तो 40-50% का मार्जिन रहता है जी, और कोई भी बिजनेस करो तो आज की डेट में क्या है कि मार्जिन भी कहीं ना कहीं जरूरी है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जरूरी जी। तो ये सारी चीज चलती है। बाकी मैं आपको पूरा अपने व्यूअर्स को ही दिखाना चाहूंगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम उस चीज को मैनेज करते हैं, तो वो मैं आपको सारी चीज अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा जी। तो एक बार शुरू करते हैं सर, फर्स्ट प्रोसेस कहां से आपका शुरू होता है? देखिए ये जो हमारे स्टोरेज टैंक होते हैं जी, हम लोग पूरा बल्की माल मंगाते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आज हम बल्की माल मंगा रहे हैं तो तभी हम आपको चीप रेट दे पाएंगे जी, क्योंकि जब हम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो हमारे को भी 2 रुपए आगे से सस्ता मिलता है। तो आप पूरा टैंकर ही? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सामने टैंक लगे हुए हैं सारे, बिल्कुल इस तरीके के टैंक है, स्टोरेज टैंक है, इसमें सारा टैंकर आता है, टैंकर से पूरा ऑयल इसमें स्टोरेज हो रहा है, कि वहां से स्टोरेज टैंक से जब तेल यहाँ आ रहा है स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद ये ब्लेंडिंग मशीन में जा रहा है। आप ये देखिए जी वहाँ पे टेम्परेचर है 120 डिग्री का टेम्परेचर सेट किया हुआ है अभी, तो वो पूरा ब्लेंडिंग इसमें प्रोसेस होता है, एडिटिव्स वगैरह हम डालते हैं। मैं आपको एडिटिव का बैरल भी दिखा देता हूँ, आइए मैं आपको एक बार वापस लिए चलता हूँ आपको। ये हमारा हाईटेक कंपनी का हम लोग एडिटिव यूज करते हैं, ये पूरा एडिटिव हम इसमें डालते हैं, पूरा ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है, ये एडिटिव पूरा इसमें डल के सारा ब्लेंडिंग होगा। ये देखिए आप इसमें पूरा धुआं निकलने लग गया है, जब ब्लेंडिंग होती है तो पूरा इसमें प्रोसेस होता है। 120 डिग्री टेम्परेचर में जब ये ब्लेंड होगा तभी जाके ऑयल की क्वालिटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि उठा के आपने भर दिया तो वो ऑयल की ऑयल अच्छा भी नहीं होता है। अच्छा। जब तक उसका प्रोसेस नहीं होगा तब तक वो अच्छा नहीं बनेगा ऑयल। उसके बाद आइए मैं आपको और दिखा देता हूँ, इस ब्लेंडिंग स्टोरेज टैंक से जब वो पूरा टेम्परेचर पे हीट होगा, ब्लेंड होगा, ब्लेंड होने के बाद ये हमारी क्लीनिंग मशीन है, और ये भी बहुत हाईटेक जमाने की मशीन है जी। पुराने जमाने का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, ये पूरी हाईटेक जमाने की मशीन है, इसमें कोई भी पार्टिकल और ऑयल के अंदर नहीं रहेगा। उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ से होने के बाद तो आगे यहाँ पर जो ये जो फिल्टर का काम करता है एक तरह से, हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या चीज फिल्टर करता ये है? इसमें क्या होता है कि देखिए जब बाहर से टैंकर्स में ऑयल आ रहा है या ब्लेंडिंग हो रहा है तो डस्ट पार्टिकल, कोई भी छोटा मोटा पार्टिकल जो कि इंजन में नहीं जाना चाहिए, उससे गाड़ी के इंजन को नुकसान होता है, तो इस मशीन का यही काम है कि वो जो डस्ट पार्टिकल है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, यानी उसको बाहर नहीं निकलने देती है, और ऑयल को बिल्कुल क्लीन निकाल के बाहर इधर स्टोरेज टैंक में हमारे पास यहाँ पे ही आता है। उसके बाद अपना फिलिंग सेक्शन आ जाता है। देखिए सर, इस तरीके से हमारी बोतल जो फिलिंग हो रही है वास स्टोरेज टैंक से, यहाँ ये फिलिंग होने के बाद यहाँ पे जो इसकी पैकेजिंग का काम हो रहा है, इस तरीके से ये पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग में आप देखिए कि जो हमारी बोतल की जो हमारी रैप है वो हमारी कंपनी की ही लग के आती है बकायदा जी, कोई प्लेन सील नहीं है हमारा, जो ब्रांडिंग का काम है ब्रांडिंग की तरीके से ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ये कार्टून में फिलिंग हो जाती है।
इस तरीके की जो ये ग्रीस वगैरह है ये हमारा एक शॉकर ऑयल आता है, कि शॉकर ऑयल भी हमारा जाता है। अब आइए कि मैं आपको लास्ट पैकेज जो दिखाता हूँ, देखिए कि ये मशीन है, इसमें हमारी बेल्ट लगती है और बेल्ट लगने के बाद ये जो कार्टून है ये कार्टन बन के तैयार, ये बिल्कुल रेडी हो गया। ब्रांडिंग की टेप मिलेगी जो हमारी ब्रांडिंग है। अब मैं आपको इसमें एक चीज दिखाता हूँ जो कि हमने कई वीडियोस में नहीं दिखा पाए थे। हाँ जी। मैं इस कार्टन को आपके कैमरे के सामने कट करूंगा, जबकि ये पूरा सील पैक है। सील पैक है और इसमें आप इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई अलग से हमने सारे कार्टून में से कोई सा भी खोल लेते हैं। आप बताओ, ये ना खोलू, ये खोल देता हूँ। हाँ जी, ये खोल देता हूँ। चलो ये खोल लेते हैं। चलो आप भाई, ऐसा लगेगा कि व्यूअर्स को कि भाई इन्होंने अपना कोई कार्टून बना लिया, हम तो ये खोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं आपको खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ, ये हमने कट लगाया कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। देखिए इस बॉक्स में एक ग्रीस का डब्बा हम लोग फ्री दे रहे हैं। अच्छा, ये फ्री आएगा? जी 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 जी, बिल्कुल। और ग्रीस की क्वालिटी ये बिल्कुल हम फ्री दे रहे हैं। एक पैड हमारा फ्री जा रहा है इसके अंदर, एक कीचेन फ्री जा रहा है, एक पैन फ्री जा रहा है। और ये कितने पीस है? ये 20 पीस का पैक है सर। अच्छा, बिल्कुल 20 पीस का पैक है। ये हमारा 900 ml की बोतल है। तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में क्या दिखा रहे हैं, आप और कार्टून कहोगे सब खुल जाएंगे। जो कार्टून है, जो चीज दिखाई जा रही है वही यहाँ से जाएगी। तो ये पैकेजिंग क्या क्या होता है, कितने कितने लीटर में आपके पास? एक लीटर, 900 ml, 3.5 लीटर। ये देखिए ना, इधर 26 लीटर की कैन पड़ी है। अच्छा। इधर इधर देखिए कि ये 50 लीटर की कैन है, 26 लीटर की कैन है, आपके ग्रीस की बकेट्स है, आप 5 किलो, आधा किलो। अच्छा। उधर बैरल्स पड़े हैं अपने, ये राइडेक्स का बैरल देख लीजिए आप। अच्छा, वो 210 लीटर का बैरल भी है हमारे पास। ये 1 लीटर की बोतल है, 3.5 लीटर, मतलब क्वांटिटी सारी मिल जाएगी। अच्छा। जो रेंज में चाहिए सब कुछ मिल जाएगी। ये 210 लीटर के हमारे जो बैरल आते हैं ये पड़ा है, इसके और बैरल्स पड़े हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। 3.5 से लेके, 26 से लेके, 210 से लेके, 50 से लेके, 175 ml से लेके शॉकर ऑयल जो भी मैंने आपको दिखाया, सारी चीज़ अवेलेबल है। ग्रीस में भी 100 ग्राम, मतलब पैकेजिंग, ऑल पैकेजिंग इज अवेलेबल। तो यहाँ पर तो सर हमने फैक्ट्री देख लिया कि यहाँ पर किस तरह से ये जो आपके इंजन ऑयल है ये बनकर तैयार होते हैं, क्वालिटी क्या है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर जो आपके कस्टमर्स है, जो हमारे कस्टमर्स है, उनको एक भरोसा होता है कि भाई हाँ, हमारे सामने ये बनकर तैयार हो रहे हैं। भाई होता क्या है, हम एक कमरे में बैठ के उनको बताएं तो कहेंगे जी ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ भी बताना जरूरी है आजकल के कस्टमर्स को, कि व्यूअर्स को, कि भाई हाँ, हम जो है रियल से काम कर रहे हैं, जो है आंखों के सामने, आंखों के सामने। अगर जो बिजनेस करना चाहते हैं अपने यहाँ, ये आपके जो इंजन ऑयल है सेल करना चाहते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, मिनिमम क्वांटिटी क्या होता है, बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा सर, अपन एक बार ऑफिस चलते हैं अपने, वहाँ बैठ के हमारे व्यूवर्स को मैं सारी चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से बिजनेस हो सकता है, कितनी क्वांटिटी में हम काम कर सकते हैं। चलिए तो चलिए अपन ऑफिस चलते हैं, वहाँ बात। देखिए हमारी जो मिनिमम जो क्वांटिटी रहेगी वो 10 बॉक्स की रहेगी, और जो उसका बेसिकली अमाउंट 25 से 30 हज़ार के बीच में रहता है। तो एक ये इनिशियल अमाउंट रहता है कि आप हमसे 10 बॉक्स लीजिए, एक बार अपना काम शुरू कीजिए। आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 5 लाख का माल लो, 2 लाख का माल लो, वो आपकी इच्छा है, आप लो, मैं मना नहीं करूँगा। आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉफिट इसमें 40-50% रहता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि बाइक सेगमेंट बहुत, हर गांव में, हर कस्बे में 2-व्हीलर 4-व्हीलर का काफ़ी बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, माल बहुत बिकता है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं जी इसमें ये होता है वो, तो सर हर बिज़नेस में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स किस बिजनेस में नहीं, हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम है तो हम काम करना छोड़ देंगे, काम तो करना नहीं छोड़ सकते ना। और हमारे जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे नीचे चल रहे हैं, आप उन पे कॉल करेंगे, हमारी जो कॉलिंग डिपार्टमेंट टीम है आपको पूरा समझाएगी किस तरीके से क्या काम होता है, कैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग की पूरी जो चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, लाइक पोस्टर्स, ब्रोशर्स, हर चीज़, टी शर्ट्स, कैप, जो भी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के सामान होते हैं वो हम लोग देते हैं। बाकी काम तो सबको, आपको और हमको मिलकर करना पड़ेगा भाई। कस्टमर जो हमसे जुड़ेगा उसको हमसे मिलकर ही काम करना पड़ेगा। आपके पास जो ऑयल्स मिलेंगे ये किस किस तरह के व्हीकल्स का मिलेंगे? 2-व्हीलर 4-व्हीलर, आपका हाइड्रोलिक, मतलब हर सेगमेंट में हम लोग हैं। करीब करीब 95% हम लोग हर सेगमेंट में हैं, हर सेगमेंट का ऑयल हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका ही ऑयल क्यों खरीदें भाई? रीज़न ये है कि मेरा ऑयल क्यों खरीदें, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोगों के मन में कि मैं मेरे से ही क्यों जुड़े। देखिए होता क्या है कि हर आदमी यही चाहता है कि यार मैं कुछ एक अच्छी कंपनी से काम करूं। अब मैं अपने आप को अच्छा बताऊं कोई फ़ायदा नहीं है भाई, जब लोग मुझसे काम करेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, तभी तो उनको पता पड़ेगा कि मेरे में और लोगों में क्या फ़र्क है। और क्वालिटी वाइज भी कहीं ना कहीं, जब देखो मेरी क्वालिटी को वो देखेंगे, हम लोगों का एक रिलेशन भी देखेंगे। आप
मार्केट में एक रिलेशन भी बिल्डअप करना बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। कोई भी कंपनी, एक ब्रांड जब बनता है कि वो अपना रिलेशन भी साथ लेके कस्टमर को चलता है, तो मैं मेरे कस्टमर को हमेशा साथ लेके चलता हूँ। उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ, जो मेरे बस में होती है मैं उनका कभी नुकसान नहीं होने देता हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। देखो ब्रांड बिल्डअप करना तो हम दोनों के हाथ में ना, हम भी एक फैमिली हैं, अगर वो हमसे जुड़ेंगे तो हमारी फैमिली के अंदर आ गए, हम उनको ऐसे फैमिली ट्रीट करते हैं कि हम परिवार हैं, साथ मिलके बढ़ेंगे, शायद हम बढ़ेंगे तो वो भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। जी सर, अगर कोई यहाँ पर विजिट करना चाहे कैसे विजिट कर सकते हैं और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए अगर कोई मेरे पास आना चाहे तो जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अपन बात कर लेते हैं, तो वहाँ से नियर बाई मेट्रो स्टेशन मेरे यहाँ पड़ता है जहांगीरपुरी, जिसमें येलो लाइन आती है, और बाकी जो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं तो वो हमारी कॉलिंग टीम से बात करके लोकेशन मंगा सकते हैं, उनको पूरा गाइड करेंगे आना कैसे है। विजिट में तो आप ये आओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टाइम लेके आ जाओ, एक दिन पहले फ़ोन कर दो, जी हम आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहो तो हमारे पर्टिकुलर अकाउंट नंबर जो है कंपनी का अकाउंट नंबर रहेगा, आप उसमें पेमेंट कीजिए, जो भी आपकी डिमांड रहती है हमारे यहाँ से टीम आपको पूरा परफॉर्मा बना के भेजेगी कितनी आपकी डिमांड रहती है, तो वो सारी चीज़ आपको टीम समझा देगी, ज़्यादा कुछ उसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। और विजिट करना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़। चलिए थैंक यू सर, और आपने काफ़ी अच्छा टाइम दिया और आपने अपना फैक्ट्री विजिट करवाया। सो अगर आप इंजन ऑयल का बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी तरह से, अगर आपकी शॉप है, गैरेज है, वहाँ पर आप सेल करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आना चाहे इस एड्रेस पर आ सकते हैं, जो भी एड्रेस होगा, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।